फर्स्ट वन इज मिनकलम आर बार ब्रैकेट सेकेंड वन इज पेडेंथिस आर कर्व ब्रैकेट थर्ड वन इज ब्रेसिस आर कर्ली ब्रैकेट एंड फोर्थ वन इज स्क्र ब्रैकेट्स आर बॉक्स ब्रैकेट्स वो रूल जो कि इन ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं डेट इज कॉल्ड बॉड मॉस में बी मीन्स ब्रैकेट ओ मीन्स ऑर्डर जिस ऑर्डर से वो ब्रैकेट ओपन होगी डी मीन्स डिवीजन एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ योर क्वेश्चन एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू पेज नंबर सिक्सटी सेवन सम्पलीफाई द इक्वेशन योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फोर प्लस

वन पॉइंट फोर रिपीट द क्वेश्चन फोर प्लस वन पॉइंट प्लस पेडेंथिस इज ओपन वन पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट थ्री पेडेंथिस इज क्लोज नाउ सॉल्व दिस पैडेंथिस जो है वो किसको कवर कर रही है वन पॉइंट सिक्स और वन पॉइंट थ्री को वन पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट थ्री आपके पास क्या आ गया सिक्स में से थ्री माइनस कर दे थ्री डेसिमल के नीचे डेसिमल और वन में से ज़ीरो माइनस कर दे तो वन आपके पास वन पॉइंट थ्री आंसर आता है जस्ट वन सिंगल आंसर इसे दिया इसके साथ ये पैरेंथिस जो है वो क्या हो गई रिमूव हो गई और बाकी जो टर्म्स जो भी आपके पास टर्म्स होती हैं वो एज इट इज़ आ जाती हैं वन पॉइंट फोर प्लस का साइन एज इट इज़ इसका आंसर क्या आ गया वन पॉइंट थ्री अब आपने वन पॉइंट फोर और वन पॉइंट थ्री को क्या कर देना है प्लस वन पॉइंट फोर और वन पॉइंट थ्री को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल एडिशन सेप्रैक्शन में इस चीज़ की बहुत केयर आपने करनी है कि वन पॉइंट जो भी आपके पास डेसिमल है उसके नीचे डेसिमल आना चाहिए तो फोर प्लस वन पॉइंट फोर प्लस वन पॉइंट थ्री इसको प्लस कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है फोर प्लस थ्री सेवन और वन प्लस वन टू तो टू पॉइंट सेवन आ गया इज इट क्लियर नाउ वन पॉइंट के आंसर आपका क्या आ गया वन पॉइंट फोर प्लस वन पेडेंथिस इज ओपन सिक्स माइनस जीरो पॉइंट थ्री इज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन इज इट क्लियर नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में कुछ बच्चों के प्रॉब्लम से बी केयरफुल केयरफुल होकर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री में इतना डिफरेंस आपको फील नहीं होगा ईजीली आप समझ लोगे गे फोर पॉइंट टू सिक्स प्लस वन पॉइंट स्क्वेयर ब्रैकेट इज ओपन वन पॉइंट थ्री फाइव डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट इज ओपन पेडेंथिस इज ओपन जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट थ्री मल्टी पेडेंथिस इज क्लोज मल्टीप्लाइड बाय वन पॉइंट फाइव कर्ली ब्रैकेट इज क्लोज एंड स्क्र ब्रैकेट इज आल्सो क्लोज्ड। अब यहाँ पे हमें जो वो है वो थ्री ब्रैकेट्स की है पेडेंथिस कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्र ब्रैकेट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट पे आ जाएंगे तो ऑर्डर जब हम ब्रैकेट्स का देखते हैं सबसे पहले कौन आ जाता है डेट इज़ विम सेकेंड वन इज पैरेंथिस थर्ड वन इज कर्ली ब्रैकेट फोर्थ वन इज स्क्र ब्रैकेट इज इट क्लियर इस सीक्वेंस से हमने इसको सॉल्व करना है अब फर्स्ट वन इज पैरेंथिस पैरेंथिस यहाँ नहीं है तो हम सेकेंड पे आ जाएंगे डैट इज़ सॉरी विनकुलम नहीं है तो पेरेन्थिस पे हम आ जाएंगे पैरेंथिस किस किस को कवर कर रही है जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट थ्री तो सबसे पहले आप इसको सप्रैक कर दो जीरो पॉइंट फाइव में से ज़ीरो पॉइंट थ्री माइनस करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन एज इट इज कम टू योर क्वेश्चन फोर पॉइंट टू सिक्स प्लस स्क्र ब्रैकेट ओपन वन पॉइंट थ्री फाइव डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट ओपन नाउ पैरेंथिसिस को सॉल्व कर दें ज़ीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट थ्री डेसीमल के नीचे डेसीमल आए इज इट क्लियर दोनों टर्म्स का भी और फिर आंसर का भी फाइव में से थ्री माइनस कर दें टू आ जाएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल और ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करें तो ज़ीरो तो ज़ीरो पॉइंट टू पैरेन्थिस का आंसर क्या आ गया है जीरो पॉइंट टू और इसके साथ ही पेडेंथिस जो है वो कहाँ चली गई रिमूव हो गई क्योंकि हमने उसका वन सिंगल आंसर ले लिया मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ वन पॉइंट फाइव एज इट इज नाउ कर्ली ब्रैकेट इज क्लोज एंड स्क्वेयर ब्रैकेट इज आल्सो क्लोज अब किसकी टर्न है अब है कर्ली ब्रैकेट की टर्न फोर पॉइंट टू सिक्स प्लस बाकी क्वेश्चन एज इट इज वन पॉइंट थ्री फाइव डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट में कौन कौन सी टर्म है ज़ीरो पॉइंट टू है मल्टीप्लाइड बाई वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करेंगे डेसिमल प्लेस जो है वो बाहर निकाल देंगे वन डी पी वन के बाद डेसिमल है और सेकेंड में भी वन डिजिट के बाद डेसिमल है फाइव टू जो टेन टेन ज़ीरो आ गया फाइव जीरो ज़ीरो एंड वन प्लस कर दें तो वन वन टू से टू एंड वन ज़ीरो 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 टू प्लस वन थ्री एंड ज़ीरो वन एंड टू वन डी पी ए है वन डी पी ए वन प्लस वन टू तो टू डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट थ्री जीरो इज इट क्लियर फोर पॉइंट टू सिक्स प्लस स्क्वेयर ब्रैकेट ओपन वन पॉइंट थ्री फाइव डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट थ्री जीरो अब हमने स्क्वेयर ब्रैकेट को जो है ओपन करना है फोर पॉइंट टू सिक्स प्लस वन थर्टी फाइव आप क्या करेंगे डेसिमल रिमूव कर देंगे तो उसकी जगह वन आ जाएगा उसके बाद टू डिजिट्स हैं तो टू ज़ीरो आपने लगा दिए डिवाइड का साइन एज इट इज़ जीरो पॉइंट थ्री जीरो डेसीमल रिमूव होगा तो वन आ जाएगा और टू डिजिट्स हैं तो टू जीरो आ गए इज इट क्लियर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया फोर पॉइंट टू सिक्स प्लस स्क्वेयर ब्रैकेट ओपन वन थर्टी फाइव बाई हंड्रेड अब डिवीजन का साइन किस में कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन में और इसके साथ ही जो है इसके साथ वाली टर्म जो थी वो क्या हो गई इन्वर्स हो गई जो फ्रैक्शन है इनवर्स हो जाएगी थर्टी बाई हंड्रेड था तो वो क्या बन जाएगा हंड्रेड बाई थर्टी इज इट क्लियर देन स्क्र ब्रैकेट इज़ क्लोज फोर पॉइंट टू सिक्स प्लस वन थर्टी अब क्या हंड्रेड हंड्रेड वन से हंड्रेड एंड हंड्रेड वन से हंड्रेड हंड्रेड और हंड्रेड कैंसिल हो जाएंगे आपके पास क्या रह जाएगा वन थर्टी फाइव इंटू वन एंड वन इंटू थर्टी स्क्वेयर ब्रैकेट इज़ क्लोज फोर पॉइंट टू सिक्स प्लस वन थर्टी फाइव वन से वन थर्टी फाइव एंड थर्टी वन से थर्टी दोनों जो है यूनिट इसका फाइव है इसका यूनिट जीरो है इट मीनस फाइव के टेबल पर कैंसिल हो सकते हैं फ़ाइव टू ज टेन एंड फाइव सेवन जर्टी फाइव ट्वेंटी सेवन फाइव thirty five twos are ten and एंड six सिक्स thirty तो आपके पास न्यू फ्रैक्शन क्या आ गई फोर पॉइंट टू सिक्स प्लस ट्वेंटी सेवन बाई सिक्स ट्वेंटी सेवन बाई सिक्स इसके साथ ही कौन सी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो रिमूव हो गई इट क्लियर अब ये टीचर्ट आपके पास डेसिमल में है इसको भी जो है इस टर्म को भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे इज इट क्लियर क्या करना है आपने सिक्स का टेबल आज ट्वेंटी सेवन इज़ डिवाइड एंड सिक्स इज़ डिवाइजर फोर फाइव सिक्स फोर से ट्वेंटी फोर सेवन में से फोर माइनस कर दें थ्री सिक्स फाइव से थर्टी तो आपके पास क्या आ गया फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट टू सिक्स प्लस एट पॉइंट सेवन से अब क्या आ गया फोर पॉइंट फाइव इन दोनों को क्या करें इन दोनों को प्लस कर दें कैसे प्लस करें फोर पॉइंट फोर पॉइंट टू सिक्स फोर पॉइंट ठीक है और डेसिमल के नीचे डेसिमल और फाइव आ जाएगा अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हमने ज़ीरो पोट कर दिया नाउ सिक्स फाइव प्लस टू सेवन पॉइंट फोर प्लस फोर एट तो एट पॉइंट सेवन सिक्स विल बी योर आंसर इज इट क्लियर नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो सेम आपका जो है किसकी तरह था क्वेश्चन नंबर टू की तरह है. बिल्कुल उसी तरह पैरेंथेसिस है उसी तरह जो है करली ब्रैकेट है और उसी तरह स्क्र ब्रैकेट है वही थ्री ब्रैकेट्स यूज़ हुई हैं पहले पैरेंथेसिस को आप सॉल्व करोगे उसके बाद जो है जब उसका आंसर आ जाए तो आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है कर्ली ब्रैकेट का जब आंसर आ जाए तो आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर दोगे और लास्ट में इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इज इट क्लियर ओके जी नाउ क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर जो था ये हमने लास्ट टाइम जो है अभी अभी जो आपकी वो हुई है जो आपकी क्लास हुई है उसमें हमने क्वेश्चन फोर जो है वो रिवाइज़ किया था क्वेश्चन फोर का एक एक स्टेप आपको क्लियर है बस इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपके पास विन विनकलम है जहाँ विनकलम आ जाए वहाँ पे क्या होता है सबसे पहले हम विन विनकलम को सॉल्व करते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट में फर्स्ट जो है वो विन विनकलम होता है इज इट क्लियर पहले हमने विन विनकलम को सॉल्व कर दिया टू पॉइंट फाइव में से टू माइनस कर दी तो आपके पास क्या आ गया ज़ीरो पॉइंट फाइव बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया अब आपने क्या किया नाइन पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाई बाकी क्वेश्चन तो एज इट इज आ गया अब पेडेंथिस की टर्न है पेडेंथीसिस में वन पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव को आपने सॉल्व किया है आंसर क्या है? आ गया है टू पॉइंट जीरो आ गया पेडेंथिस क्लोज रिमूव सॉरी पेडेंथिस यहाँ से रिमूव हो गया कौन रह गया आपके पास कर्ली ब्रैकेट और स्क्वेयर ब्रैकेट रह गया अब हमने कल्ली ब्रैकेट के इनर्स जो है टर्म्स से उनको सॉल्व करेंगे टू पॉइंट जीरो फ़ाइव में से टू को आपने माइनस कर दिया क्या आ गया आपके पास जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव आ गया इज इट क्लियर अब उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट की टर्न है स्क्वेयर ब्रैकेट की जब दोनों टर्म्स को आपने प्लस कर दिया तो आपके पास वन पॉइंट एट जीरो आ गया इज इट क्लियर अब आप डिवीजन उसी तरह डेसिमल नाइन पॉइंट टू फाइव बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन एटी बाई हंड्रेड आ गया पता है आपको क्यों हंड्रेड आया डेसिमल रिमूव हो गया वन आ गया टू टर्म्स सी तो नीचे टू आपके पास जीरो आ गए जिट क्लियर और सेम केस यहीं यहाँ भी हुआ है अब क्या है जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो इन्वर्स हो जाता है तो ये हंड्रेड बाई वन एटी आ गया हंड्रेड को हंड्रेड से कैंसिल कर दें वन नाइन नाइन ट्वेंटी फाइव इंटू वन और वन इंटू वन एटी तो आपके पास नाइन ट्वेंटी फाइव बाई वन एटी आ गया जिसका आंसर जो है वन एटी फाइव बाई थर्टी सिक्स आपके पास आया है इसको जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है थर्टी सिक्स से फाइव सा वन एटी फाइव से और यहाँ डेसिमल लगा दिया आपने डेसिमल ने यहाँ आपको जीरो दिया थर्टी सिक्स वन सा थर्टी सिक्स टेन में से सिक्स माइनस करें फोर आ जाएगा फोर में से थ्री माइनस करें वन और फिर जीरो देगा तो थर्टी सिक्स थ्री सा वन ज़ीरो एट टेन में से एट माइनस करें टू थ्री में से ज़ीरो माइनस करें थ्री आ जाएगा और यहाँ पे फिर डेसिमल आपको जीरो देगा तो थर्टी सिक्स एट सा टू एटी आर आता है जो आपके पास थर्टी टू आता है डिमेंडर अब ये भी थर्टी टू है ये भी थर्टी टू है यहाँ पे आप डिजिट्स को देखें इस मींस कि हम जितना इसको मल्टीप्लाई करते जाएं डिवाइड करते जाएं हमारे पास ये एट जो है वो रिपीट होता जाएगा वजह ये कि हम एट को रिपीट करें हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे एट जो है वो एट जो है वो मोर देन फाइव है तो ये थ्री को वन यूनिट जो है वो दे देगा वन डिजिट देगा तो ये थ्री क्या बन जाएगा फोर सो फाइव पॉइंट वन फोर विल बी योर Answer 5.14 will be your answer. Is it clear? Thank you, class.